हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज में हम आपको क्लास टेंथ इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का आठवां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम आपको उसका बेसिक समझाएंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक्चुअली है क्या, उसमें क्या चीज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपको क्या वो याद रखनी है, कैसे करनी है। वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहां से आती है, देखिए आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए जो ट्रिग्नोमेट्री है, हम एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ये सारा का सारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो बेस्ड होता है वो एक राइट ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड होता है। किसके ऊपर बेस्ड होता है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यानी राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। आप सबको पता है राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और उसमें मोटी मोटी तीन चीजें होती हैं बेसिकली, कि ये जो साइड होती है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, हमने पी से दिखा दिया। ये जो साइड होती है उसको बेस बोलते हैं, हमने बी से दिखा दिया है। और ये जो साइड है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हमने एच से दिखा दिया है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो साइड है मैंने इसको परपेंडिकुलर लिखा है, इसको बेस लिखा है, इसको हाइपोटेन्यूज लिखा है। परपेंडिकुलर को पी से दिखाया, बेस को बी से, और हाइपोटेन्यूज को एच से। एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इसी के साथ साथ आपको। नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब राइट ट्रायंगल होती है तो हमें ये पता नहीं चलता कि परपेंडिकुलर ये वाली साइड लेनी है या ये वाली साइड लेनी है। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं, अगर हमने ये जो एंगल है, ये एंगल, अगर मैंने इस एंगल को थीटा लिया है, एंगल की नोटेशन हम यहां पर थीटा लेंगे, अगर हमने इस एंगल को थीटा लिया है तो इसके सामने वाली साइड यानी ये साइड इसको परपेंडिकुलर बोला जाएगा। और अगर मैंने इसको थीटा लिया है तो इसके सामने वाली साइड यानी इसको थीटा बोला जाएगा। तो हमेशा याद रखना है जो भी साइड एंगल के सामने होगी, साइड ऑपोजिट टू द एंगल, उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और दूसरी साइड कॉरेस्पॉन्डिंग बेस हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हमने एंगल सी को थीटा लिया है यहां पर, और इसी को हम परपेंडिकुलर लेंगे। सी के ऑपोजिट ये साइड है ए बी, तो ये हमारी परपेंडिकुलर होगी। अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो है राइट एंगल से कैसे बनी। उसमें हमारे पास सिक्स रेशियोज होती हैं। कौन कौन सी? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सिकेंट थीटा, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ठीक है, अब जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है, तीन तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिक हैं, तीन इनके रेसिप्रोकल इनके उल्टे। तो साइन थीटा की जो डेफिनेशन है, या हम कहें कि इसकी जो वैल्यू है, वो राइट ट्रायंगल से इसका रिलेशनशिप किस प्रकार है, कि जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दो साइड्स की रेशियो है। यानी अगर मुझे साइन थीटा लिखना है तो मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। इसी तरह अगर कोसिकेंट लिखना हो तो कोसिकेंट हमने बताया जो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो एच अपॉन पी बन जाएगा। यानी अगर मैं इसी को रेसिप्रोकल करके लिखूं यहां पर कोसिकेंट थीटा की वैल्यू चाहूं तो ये पलट जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फिर बात आ रही है कॉस थीटा की। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यह लिख लेते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्या होते हैं, इसका रेसिप्रोकल है तो उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी। अभी हम आपको ये बताएंगे इसको याद कैसे रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और जो सबसे आसान तरीका, आज तक किसी ने नहीं बताया आपको, हम बताएंगे। और उसके बाद तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा, वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी जो टेंजेंट थीटा है वो होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, और यानी इसका रेसिप्रोकल अगर मैं लिखूं कॉट थीटा का तो रेसिप्रोकल हो जाएगा बी अपॉन पी। तो अब आपने ये बना तो लिया, साइन कॉस टेन जो है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नीचे वाले तो नो डाउट आपको पता चली जाएंगे अगर आपको ये पता चल जाए, क्योंकि नीचे वाले जो है कोसिकेंट, सिकेंट और कोट, वो इनके रेसिप्रोकल हैं। अब मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद कैसे रखा जाए। तो इसको याद रखने का एक बेसिक सा फॉर्मूला है, देखिए, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये तो तरीका हो गया याद रखने का, पीबीपी और एच एच बी को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
अब बात आती है साइन कॉस की, तो एस यानी सोना, सी यानी चांदी और टी यानी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो आपको ये अगर तरीका याद हो जाए, ये फॉर्मूला याद हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि साइन थीटा जो है वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिखना है। और अगर आप चाहें तो अपनी उंगलियों पे भी इसको लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे देखिए ये हमारी फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स पे अगर मैं लिख लूं यहां पर, ये देखिए ये पंडित बद्री प्रसाद, यहां पर हर हर बोले, ये मैंने लिख लिया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यहां लिख देता हूं सोना चांदी तोले। एस सी टी लिख दिया ना, तो सोना का मतलब, एस का मतलब है साइन, सी चांदी जैसे हमने लिखा था उसका मतलब है कॉस, और टी तोले मतलब यानी टेन। तो ये साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, और इनके रेसिप्रोकल भी वो इस बीच वाली जो फिंगर है हमारी, ये तीसरी वाली रिंग फिंगर बोलते हैं जिसको, इस पे लिख लें आप इसका साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट। यानी अगर कोसिकेंट बोलना है तो उल्टा बोलना है, एच से पी बोलना है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस के नीचे उसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, देखिए सीकेंट, तो वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बनेगा। और टेंजेंट के लिए उसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं कॉट, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यही सेम चीज देखिए जो बोर्ड पे लिखी है, ये आपने यहां उंगलियों पे लिख लेनी है, और एकदम से पता चल जाएगा कि साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, टेंजेंट का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पता चल गए। कोसिकेंट सिकेंट और कोट पता लगाने के लिए इनका रेसिप्रोकल। एक और तरीका भी होता है, बच्चे अलग अलग तरीका यूज कर सकते हैं, आजकल देखिए इनोवेशन बहुत ज्यादा है बच्चों के अंदर, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, याद रखने के तरीके बहुत सारे हैं। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, यानी फिर वही होगा, देखिए परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर, और यहां पर हिंदुस्तान हरा भरा, कि पाकिस्तान तो भाई भूखा प्यासा है और हिंदुस्तान हरा भरा है, तो ये हिंदुस्तान हरा भरा यानी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और बेस आ गया। तो इस तरह से भी आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये तो है जो बेसिक फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक और हमने बनाया हुआ है फॉर्मूला, जो स्पेशली हमने बनाया है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके लिए फॉर्मूला है, क्योंकि आप आजकल इंग्लिश में बच्चे बहुत आसानी से फ्रीक्वेंट होते हैं और फ्लुएंट बनना चाहते हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री को जब आप एक बड़े ही इंप्रेसिव वे में लर्न कर पाएंगे, ये ऐसा फॉर्मूला आज तक किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। साइन थीटा का मैं लिख देता हूं यहां पर, देखिए मैंने लिखा सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, इसका मतलब क्या हुआ, सम पीपल हैव, एस स्टैंड फॉर साइन इज इक्वल टू पीपल, पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, हैव एच स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव क्या क्या है, कुछ लोगों के पास कर्ली ब्राउन हेयर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर का मतलब क्या हुआ, सी स्टैंड फॉर कॉस थीटा, सी स्टैंड फॉर कॉस थीटा, ब्राउन हेयर मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कैसे है उनके कर्ली ब्राउन हेयर, थ्रू टी एच आर ओ यू जी एच, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, वो अपने बालों में प्रॉपर ब्रश करते हैं, इसलिए उनके कर्ली ब्राउन हेयर है। थ्रू मतलब टेन थीटा, प्रॉपर परपेंडिकुलर ब्रशिंग अपॉन बेस। तो देखिए यहां पर भी हमने फॉर्मूला आपको एक डिराइव करके दिखा दिया, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए स्पेशली जो बहुत ज्यादा फ्लुएंट है इंग्लिश में और उनको मजा आता है इंग्लिश में हैंडल करने में चीजों को, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने में। तो सम पीपल हैव यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और
थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेसिक जो फॉर्मूला है इंग्लिश मीडियम के लिए क्या बन गया, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये भी याद रख सकते हैं आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले भी याद रख सकते हैं आप, या हमने ये बनाया हुआ है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी याद रख सकते हैं आप। तो अगर आप ये चीजें याद रख लें और इनको अपनी फिंगर पे दिखा दें इस तरह से, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर पहली फिंगर पे, दूसरी पे हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो साइन थीटा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनके रेसिप्रोकल अगर लिखने हैं कोसेकेंट सेकेंट और कोट, तो नीचे से ऊपर की तरफ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एच अपॉन बी और बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी बी अपॉन पी। तो ये है देखिए हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्मूले, कैसे आप इनको याद रख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये याद कर लिए तो पूरा का पूरा चैप्टर 8 जो है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है समझने में। तो बच्चों आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, सभी फॉर्मूलेस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और ये फिंगर जो आपने बनाई है हमने आपको सिखा दी है, इसको अपनी उंगली पे बना लें, पेपर पे बना लें, नोटबुक पे बना लें। और जो फॉर्मूले बताए हैं, तीन फॉर्मूले आपको बताए, कौन कौन से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये आप याद रख लें तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल द वेदिक गुरुज, ऐसे ही मजेदार वीडियोस और ट्रिक्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।